Hi guys, welcome to my channel, I am Umesh. I hope you will be fine. तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस आपके सामने लिखा ही है. सिंथेसिस मीन्स जानते ही हो संश्लेषण ना. फॉर्मेशन आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा जा रहा है और आप लोग को आप लोग पिछली वीडियो देख ही चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस की बता चुके हैं ना, और आप लोग उसको जाकर देख लीजिए और 100% आने की गारंटी है क्योंकि पूरी तरह से समझ में आएगा अगर आप लोग पूरी वीडियो में बने रहते हैं लास्ट तक, और पिछली वाली क्लास भी देख लेते हैं और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें वैसे, ठीक ना. तो देखा जाए अब पढ़ते हैं सिंथेसिस क्या पढ़ रहे हैं. सिंथेसिस मीन्स होता क्या है बजानते ही हैं, संश्लेषण. अब सिंथेसिस में हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्लास, सिंपल जो कि सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है उसको बता चुके हैं. आप लोग उस वीडियो में पिछली वाली जाकर देख लेना. हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. अब बताए ही हैं पिछली वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस स्टार्ट कर चुके थे. कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला रूल बताए थे, रूल 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके. दो टाइप होता है इसमें, दो रूल होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके, ठीक ना. क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके, ठीक ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके, ठीक ना, प्रयोग करके, ठीक. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक ना. अब इसमें भी दो रूल पढ़ चुके थे, ए वाला सब लोग पढ़े थे याद हो ना, चार रूल बताए थे, ए वाला क्यूमुलेटिव, ठीक ना, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ठीक ना. जोड़ बताने वाले इसको बताई है, हिंदी में क्या होता है, जोड़ बताने वाले संयोजक ना, क्या होता है, जोड़ बताने वाले बता चुके हैं, इसको पढ़ चुके हो ना. क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ बताने वाले, जब दो सेंटेंस सिंपल होंगे ना, कोई बात कोई कथन होगा उसको जोड़ने के लिए बताए हैं कंजक्शन क्या लगेगा, याद हो तो एंड होगा, एज वेल एज या नॉट ओनली बट आल्सो, उसका रूल बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए. और बी वाला बताए हैं अल्टरनेटिव, पढ़ चुके हो पिछली वीडियो में ना, अल्टरनेटिव कंजक्शन मीन्स वैकल्पिक, जानते ही हो क्या वैकल्पिक, जिसमें विकल्प बताया जाएगा. अब हम लोग को पढ़ना क्या है, सी वाला, ठीक ना, सी जिसे कौन सा बताया, एडवर्सेटिव कंजक्शन ना. एडवर्सेटिव मीन्स क्या होता है आप लोग जानते ही हो, क्या होता है विरोध बताने वाले संयोजक, ठीक ना. इसमें क्या होगा, विरोध बताया जाएगा, तो यही थर्ड वाला हम लोग को पढ़ना है. जबकि अगला एक और है इलेटिव, चार रूल से, चार तरह से हम क्या बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस. तो दो तो बता ही चुके हैं आप लोग, पिछली क्लास जाकर जरूर देख लें तभी ये समझ में आने वाला है ना. क्यूमुलेटिव कंजक्शन जोड़ बताने वाले, एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो लगेगा, अल्टरनेटिव जब वैकल्पिक होगा, जब विकल्प बताया जाएगा तो क्या लगेगा, याद ही होगा, या तो आर लगाते हैं या तो अदरवाइज लगाते हैं, या तो आइदर आर या नाइदर नार, पिछली वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा उसमें बताया गया है. तो अब हम लोग को पढ़ना है सी वाला, एडवर्सेटिव, जब विरोध बताया जाए तो इसमें से कोई एक कंजक्शन लगा सकते हो आप लोग, या तो बट, मेन याद रखना क्या, बट एट स्टील, या वाइल या क्या लगा सकते हो, स्टील एट ना, नेवर द लेस, ठीक ना, या वेयर एज, क्या वेयर एज, या वाइल हो चुका है ना, वेयर एज नेवर द लेस ETC, ठीक ना, मतलब ETC, इतने सारे कंजक्शन हैं, इनको हम क्या मीन्स कहाँ पे, इनसे हम क्या बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो एडवर्सेटिव होगा. कब लगाओगे इनको, जब दोनों सेंटेंस में क्या हो, विरोध हो. जब दोनों सेंटेंस में देखना कि दोनों में क्या हो, विरोध हो, तब इसमें से कोई एक कंजक्शन, जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये जितने भी शब्द जितने भी वर्ड हैं, इनमें से कोई एक वर्ड से आप बना सकते हो. अब देखो एग्जाम्पल समझना आप लोग, जैसे कह दिए ही इज लेजी ही इज क्लीवर,
एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ही इज लेजी, ही इज लेजी, ही इज क्लीवर, ठीक ना। देखो एक सेंटेंस ये हुआ, एक ये हुआ, दूसरा ले लेते हैं, एक आध और ले लेते हैं, जैसे कह दिए ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, देखना ऐसे ही सेंटेंस देख के पहचान जाओगे तुरंत ही, एक सेकंड में बता दोगे आंसर ना। कंबाइन करने के लिए अगर दे दिया जाएगा, जैसे ऐसे देंगे ये सेंटेंस दे दिए, सामने दे देंगे चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे ही दे दिया जाता है बोर्ड में, ठीक ना, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक ऐसे दे दिया जाता है कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे देते हैं एग्जाम में चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या करोगे, ऐसे देखो, देखिए हम ही इज लेजी, वह आलसी है, ठीक ना, वह आलसी है, लेकिन क्या बता रहे हैं, ही इज क्लीवर, वह चालाक है। तो ऐसे हिंदी अर्थ निकालो, ही इज लेजी, वह आलसी है लेकिन वह चालाक है। देखो तुरंत अपने आप आ गया ना, क्या कर दिए, ही इज लेजी ऐसे बन जाएगा, ही इज लेजी बट, क्या लगा दिए, बट सबका अर्थ क्या होगा, तो भी या लेकिन से समझो, ठीक ना, तो भी या लेकिन, तो क्या क्या हो जाएगा, ही इज लेजी वह आलसी है लेकिन वह चालाक है, ऐसे लिख दो, ही इज क्लीवर, बन गया, ठीक ना। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, ऐसे ही बना सकते हैं, ही इज लेजी बट क्लीवर, कहने का मतलब ये ही और इज ये भी हटा भी सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे टीचर ये भी बताते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, ठीक ना। तो कैसे, ही इज लेजी बट ही इज क्लीवर, पूरा लिख सकते हो बट लगा के, या ही इज लेजी बट क्लीवर, केवल वही बता दो। जैसे इसको देखो, ऐसे देखो, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो क्या हो जाएगा, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन, क्या लगा दिए, बट ही इज ऑनेस्ट, चाहे पूरा का पूरा लिख दो, ही इज ऑनेस्ट या ही इज पुअर बट ऑनेस्ट लिख दो। और एक बात याद रखना, और ये सारी चीज चाहे तो, कहने का मतलब जो बट लगाए हो, ये जो बट है, लेकिन इसी की जगह आप चाहते तो एट लगा देते ना, ही इज पुअर, वह गरीब है फिर भी, एट लगा देते फिर भी, या लेकिन समझो, ठीक ना, वह गरीब है लेकिन, या तो भी, क्या, ही ऑनेस्ट, ईमानदार है। चाहे तो कहने का मतलब, चाहे तो बट लगाओ यहीं पे, चाहे तो एट लगा दो, चाहे तो स्टिल लगा दो, चाहे तो व्हाइल लगा दो, वेयर नेवर द लेस या वेयर एज, कहने का मतलब इसमें से कोई एक कंजक्शन लगा के आप लोग बना सकते हो, लेकिन एक कंजक्शन याद रखो, क्या, बट या एट याद रखो, आप सिंपल सा तरीका आप लोग कर लोगे, ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कह दिए ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच, ही इज नॉट कंटेंटेड, कंटेंटेड, ठीक ना, ही इज नॉट कंटेंट करो बस, ही इज नॉट कंटेंट, ठीक, कंटेंट फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझो, ही वेरी रिच, वह बहुत अमीर है ना, वह बहुत अमीर है, ही इज नॉट कंटेंट, वह संतुष्ट नहीं है, ठीक ना। कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्ट होना, तो नॉट लग गया मतलब नहीं है। तो ऐसे समझो, वह बहुत अमीर है लेकिन वह संतुष्ट नहीं, हिंदी निकालो, अपने आप आ गया ना, वह बहुत अमीर है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। देखो एक दूसरे में विरोध हो रहा है ना, अमीर भी है और संतुष्ट भी नहीं है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है ना, आलसी है, क्लीवर है, चालाक है। तो कहने का मतलब देखो, जब दोनों सेंटेंस में कोई आपस में विरोध हो, ठीक ना, एक दूसरे के अपोजिट हो लगभग, या विरोध से समझो, विरोध कर रहे हो एक दूसरे के, तो क्या लगा दोगे, इसमें से किसी एक कंजक्शन का यूज कर दोगे फुल स्टॉप की जगह, तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है, बट लगा दो, इट लगा दो, स्टिल लगा दो, नेवरदलेस, मींस कहने का मतलब इसमें से कोई एक आप लगा सकते हैं यहाँ पे, तो बट लगा दिए, इट भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक ना, बट और क्या चीज बताए, चाहो तो ये हटा सकते हो, ठीक ना, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा के भी बताया जा लिख सकता है, दोनों भी करेक्ट है, ठीक ना, बट नॉट कंटेंटेड ऐसे ही बता सकते हो, नॉट कंटेंट ऐसे ही बन गया, या पूरा लिख दोगे, ही इज नॉट कंटेंट, दोनों करेक्ट है। कहने का मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, दोनों हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट बताया जाए, हाँ तो ये कहने का मतलब, ये तीसरा हमारा एडवर्ब से टिप कंप्लीट होता है, बस यही याद रखना, एडवर्ब से टिप के कंजक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक,
इनवर्स एटिव के कंजक्शन, कहने का मतलब सबका कंजक्शन याद रखना पड़ेगा। जैसे याद हो तो पिछली क्लास में बताए थे, जो नहीं देखे जाकर पिछली क्लास देख लें। जैसे क्यूमुलेटिव कंजक्शन में बताए थे क्या, या तो एंड आ जाएगा या तो एज बिल एज आ जाएगा, एज बिल एज या नॉट ओनली बट आल्सो, देख लेना नॉट ओनली बट आल्सो भी आ जाता है इसमें ना। अल्टरनेटिव वैकल्पिक में बताए थे या तो आइदर आर, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर नार, ठीक ना, या आर या अदरवाइज, जाके पिछली क्लास में आप लोग देख लेना अच्छे से बताया गया है, ठीक ना, अदरवाइज। तो पिछली क्लास में पूरा डिस्क्राइब किया गया है, और अल्टरनेटिव एडवर्सेटिव का भी बता ही दिए ना, जब दोनों सेंटेंस में विरोध हो। अब जब विकल्प बताया जाए तो इसमें से कोई एक लगाओगे, दोनों सिंपल से कोई घटना हो, मीन्स कोई सिंपल सा कोई कथन हो दो, तब एंड से या एज बिल एज या नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ दोगे। ये तीन हो चुका, अब हम लोग डी वाला पढ़ेंगे, डी, ठीक ना। डी क्या है, इलेटिव, हिंदी में ऐसे याद रख लो, इलेटिव, क्या इलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेटिव, इलेटिव मतलब याद रखना केवल एक शब्द याद रखो, परिणाम, क्या परिणाम, बस परिणाम बताने वाले, ठीक, परिणाम बताने वाले कंजक्शन, ठीक ना, संयोजक। जब परिणाम बताया जाए दोनों सेंटेंस में, बताए ना, जैसे विरोध हो रहा हो तो क्या लगा दो, एक शब्द याद रखो बट या एट याद रखो, जब विकल्प बताया जाए तो एक शब्द याद रखो, क्या, या तो आ लगा दो या तो अदरवाइज, जब दोनों एकदम सिंपल सा कोई कथन हो तो उसको जोड़ने के लिए केवल एक शब्द याद रखो एंड, ठीक ना। तो अब ऐसे जब विरोध परिणाम बताया जाए, जब परिणाम बताया जाए तो याद रखना क्या लगा सकते हो, यस ओ सो लगा सकते हो, ठीक ना, या फॉर भी लगा सकते हो, देयर फोर हेंस, ठीक ना, सो फॉर देयर फोर या हेंस, इसमें से कोई एक कंजक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो यही याद रखना कि और एक शब्द याद रखो, सबका मतलब होगा क्या, इसलिए, क्या होता है, इसलिए से अर्थ लेना बन जाएगा अपने आप, ठीक ना। जैसे यहाँ पे इसका अर्थ ले रहे थे क्या, लेकिन, सबका अर्थ क्या, लेकिन से, तो यहाँ पे सो का अर्थ इसलिए, तो सबका अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, इसलिए। एग्जाम्पल समझते हैं, जब दोनों में क्या, मिस एक सेंटेंस बताया जाए दूसरे में उसका परिणाम बताया जाए, तब इसमें से कोई एक कंजक्शन आप लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कह दिए ही कैन नॉट डाई इन पीस, ही इज अ सिनर, क्या बता दिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जैसे कह दिए ही कैन नॉट, क्या बोल दिए, ही कैन नॉट डाई इन पीस, फुल स्टॉप, ही इज अ सिनर, ही इज अ सिनर। तो ऐसे समझना, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे केवल क्या बताए, हिंदी में एक बार अर्थ निकाल लो, एक मिनट का काम है, एक सेकंड का, ठीक ना। जैसे ही कैन नॉट डाई इन पीस, ही वह कैन नॉट, नहीं सकता डाई, मर इन पीस मतलब शांति से, कहने का मतलब बता रहे हैं वह शांति से नहीं मर सकता, क्यों, कहें कि ही इज अ सिनर, वह पापी है, क्या वह पापी है, कि इसको जोड़ दो सीधा सा, केवल कहने का मतलब जो लास्ट में क्या, वह पापी है, क्यों नहीं मर सकता, पहले में क्या बताए, वह शांति से नहीं मर सकता, दूसरे में रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं उसका परिणाम, ठीक ना, क्यों नहीं मर सकता, क्योंकि वह पापी है ना। तो ऐसे बता दो, ही इज सिनर, वह पापी है, इसलिए, लास्ट वाला सेंटेंस यही वाला इधर, कहने का मतलब ये वाला इधर भी कर सकते हो, ये वाला इधर, कहीं जैसे भी बने वैसे बना सकते हो, ठीक ना। तो हम इसको लास्ट वाला इधर ले रहे हैं, ही इज अ सिनर, वह पापी है, उसका परिणाम बता रहे, पापी होने का परिणाम क्या है, वह शांति से नहीं मिल सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, सो इसलिए, यहाँ पे सो लगा सकते हो आप, फॉर लगा सकते हो, देयर फोर लगा सकते हो, या हेंस लगा सकते हो, कहने का मतलब इसमें से कोई एक आप लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज अ सिनर, वह एक पापी है, इसलिए ही कैन नॉट, ही कैन नॉट डाई इन पीस, डाई इन पीस मतलब शांति से नहीं मिल सकता। बताए ना, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हटा भी सकते हो ना, तो ही इज अ सिनर, सो सब्जेक्ट हटा सकते हो बस, ठीक ना, सो ही सो कैन नॉट डाई इन पीस, मतलब सब्जेक्ट चाहे ये लिखो या ना लिखो, दोनों से ही अगर लिख देते हो तब भी करेक्ट है, अगर नहीं लिखते तब भी करेक्ट है, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एकाध एग्जाम्पल और आप लोग को समझा देते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि आप लोग, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके ना समझ में आए, अगर ध्यान दोगे तो 100% समझ में आने वाला है, ये हमारी पूरी गारंटी है, ठीक ना। चलो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कह दिए ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, क्या बता रहे हैं,
स्टडीज, ठीक, क्या बताए, ही हैड नो मनी, ऐसे दे देंगे ना, ऐसे मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया गया और कहे चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, तो सिंपल सी बात क्या बताए, केवल थोड़ा सा कोशिश करो अर्थ निकालने की, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा तुमको अर्थ आता ही है, ठीक ना, आप लोग को पूरी तरह अर्थ आ रहा है ऐसा नहीं है, मानते हैं नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा कोशिश करो बस, क्या जैसे कह रहे हैं ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही वह लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई, वह अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, क्यों बता रहे हैं ही हैड नो मनी, उसके पैसा नहीं है, ठीक ना, तो इसे सीधा कर लो, क्या बन जाएगा, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वह अपना अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, बन गया ना, क्या मीन्स लास्ट वाला हम पहले लिख ले रहे हैं, जैसे भी बताए ना, जैसे अर्थ निकले, अगर मान लो सीधा बना दो तो क्या बन रहा है, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई छोड़ा, सो इसलिए, किस लिए, मतलब उल्टा बन जा रहा है ना, तो कहने का मतलब ये वाला पहले लिख लो, क्या हो जाएगा, ही हैड नो मनी, नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए, सो लगा दिए, सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, स्टडीज बन गया ना, एकदम सी एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, तो कहने का मतलब ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का रूल फर्स्ट कंप्लीट होता है, जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूल फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए चार हैं, ए बी सी और डी, तो ये चारों कंप्लीट होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग रूल टू पढ़ते हैं, ठीक ना, हाँ, तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब हम लोग रूल टू पढ़ेंगे इसमें, ठीक ना, अब रूल टू पढ़ेंगे, देखा जाएगा उसमें, और बहुत ही सिंपल तरीके से कंपाउंड सेंटेंस हम लोग सॉल्व कर लिए, आप लोग बताएं ना, केवल दो चार शब्द याद रखना है और पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस सॉल्व करके सॉल्व कर देना है हम लोग को, ठीक ना, तो रूल वन हो चुका है, और पिछली क्लास में दो रूल बताया गया था इसका, ए और बी, आप लोग जाकर उसे जरूर देख लें, ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका रूल टू, रूल टू, फर्स्ट वाले रूल में पढ़े ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब रूल टू पढ़ना है हम लोग को, ठीक ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, बताया ही गया था, अब चारों हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा रूल रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके, क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस या रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का प्रयोग करके, का प्रयोग करके, केवल एक रूल छोटा सा है, आप लोग समझ लीजिए, केवल पहले पढ़ ही लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए ही, जब सिंपल सा कोई बात, कोई साधारण कथन कहा जाए तो केवल एक शब्द याद रखो एंड, लेकिन अगर जब लगे कि दोनों में कोई ना कोई विकल्प दिया जा रहा है, दो सेंटेंस दिए हैं, जब लगे कि विकल्प है तब आप आर या अदरवाइज कोई एक लगा सकते हैं ना, लेकिन अगर जब लगे कि दोनों में विरोध हो रहा है आपस में, तो एक शब्द याद रखो बट या एट, कोई एक लगा दो ना, अगर लगे कि परिणाम बताया जा रहा है तो एक शब्द याद रखो, सो कहने का मतलब यही चार शब्द आप याद रखें तो पूरा का पूरा मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस आप बना सकते हैं, और दूसरे में केवल एक शब्द और याद रखना है, कोई डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक ना, तो याद रखना, अब कहने का मतलब इसी से हम लोग पूरा कंपाउंड सेंटेंस समझने वाले हैं, अब रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रूल टू में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग को पता ही है ना, या रिलेटिव एडवर्ब इसी को बोलते हैं, जैसे कोई डब्ल्यू एच वर्ड होता है, जैसे विच हो गया, क्या हो गया, विच हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया ना, यही सब तो है रिलेटिव प्रोनाउन ना, कोई यही सब विच हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, व्हाई, व्हेन, तो ये सारे मतलब कहने का मतलब ये सब रिलेटिव प्रोनाउन, यही सब से हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे क्या बन सकता है, कंपाउंड सेंटेंस इनसे भी बनाया जा सकता है, तो आप लोग एग्जांपल समझिएगा, एकदम सिंपल होने वाला है, जैसे कह दिया आई मेट रवि, रवि सॉरी एग्जांपल समझो, समझना, जैसे कह दिए आई मेट, किसी का भी नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, राजू, ठीक ना, अब आगे दे दिए, कह दिए ही गेब मी आ वॉच, ऐसे कह दिए, एक सेंटेंस देख लिए, देखो ठीक ना, ऐसे दे दिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं ना,
आई मेट मैं मिला किससे? राजू से. ही गेव मी अ वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दिया. सिंपल सी बात हिंदी बन गई ना, मैंने राजू से मिला, राजू मुझे क्या दिया? एक घड़ी दिया. इसके लिए हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग समझिएगा ध्यान से. अगर ये समझ लिए तो समझ लो आ गया, ठीक ना. जब कोई मानव की बात, किसी व्यक्ति की बात की जाए, कोई पर्सन होगा, याद रखना, जब कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा, तब याद रखना, जब कोई पर्सन कहा जाएगा, व्यक्ति, ठीक ना, जब किसी पर्सन की बात करें तो आप लोग क्या लगा देना? हु लगा देना, ठीक ना. केवल और केवल पर्सन, जब किसी लगे कि कोई व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक ना, लगे कि किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो एक शब्द याद रखना, क्या लगा दोगे? हु. लेकिन अगर किसी पक्षी की बात करें, बर्ड की बात करें, या एनिमल की बात करें, एनिमल कह दें, या कोई थिंग हो, कोई वस्तु, तब इस मतलब इनके साथ क्या लगा दोगे? व्हिच. क्या लगा दोगे? व्हिच, ठीक ना. कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए, तो एक शब्द क्या होता है? हु लगा देते हैं ना. लेकिन जब किसी जानवर पक्षी की बात करें, किसी जानवर की बात करें, किसी चीज कोई वस्तु की बात करें, तब क्या लगा देते हैं? व्हिच लगा दोगे. लेकिन अगर जब कोई प्लेस की बात करें, क्या प्लेस की बात करें, स्थान, लगे कि स्थान के बारे में बता रहे हैं, क्या लगा देते हो? वेयर ना. और जब कोई कारण, रीजन, अगर किसी कोई लगे कि सेंटेंस में कारण बताया जा रहा है, तो क्या लगा दोगे? व्हाई लगा दोगे, ठीक ना. तो बस यही याद रखो, हु, व्हिच, व्हेन और व्हेयर और व्हाई. तो ये यहीं पे समझ जाना, अगर इतना समझ में आ गया तो आ गया, ठीक ना. कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति की बात करें तो हु याद रखना, और किसी जानवर या कोई पक्षी होगा या कोई वस्तु होगी तो क्या लगा देते हैं? व्हिच लगा देते हैं. जब कोई पर्सन, कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, तो व्हाई लगा दोगे. और जब कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा, तो क्या लगा दोगे? वेयर. तो अब समझना, वही आपके सामने लिखा है. जैसे कहें आई मेट राजू, मैंने राजू से मिला, कोई व्यक्ति है, तो अब यहां पे क्या लग जाएगा? बताए ना, व्यक्ति होगा तो क्या लगा दोगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु. तो क्या हो जाएगा? आई मेट राजू, मैंने राजू से मिला. अब यहां पे क्या, फुल स्टॉप हटा के हमको क्या लगा देना है? हु. फुल स्टॉप और ये भी हट जाएगा, ठीक ना. तो आई मेट राजू, हु, ये भी हट जाएगा. हु गेव मी आ वॉच बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस. ये क्या बन गया हमारा? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक ना. उम्मीद है समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे. अगला रूल टू, इसका एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे कह दिए ही शॉट द बर्ड, इट फ्लू अवे. जैसे कह दिए ही शॉट अ बर्ड, अ बर्ड, इट फ्लू अवे, इट फ्लू अवे. देखो एकदम सिंपल सा बताया ही. यहाँ पे किसी पक्षी की बात कर रहे हैं या कोई जानवर होगा ना. वैसे ही शॉट अ बर्ड, उसने एक शॉट मारा, क्या, अ बर्ड, एक पक्षी को, उसने एक पक्षी को मारा. इट फ्लू अवे, वह उड़ गई ना पक्षी, वह क्या हुआ? उड़ गया. तो क्या बन गया? ही शॉट अ बर्ड. तब यहाँ पे देखो बताया गया पक्षी या कोई जानवर या कोई थिंग, कोई चीज होगी, क्या लगा देंगे? विच. अब यहाँ पे लगा दो, क्या लगा दिए? विच, कोई पक्षी है ना. विच फ्लू अवे, ये हट जाएगा, ये सब्जेक्ट जो होगा इट, क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा. ये हमारा क्या बन गया? एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक ना. उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना. नेक्स्ट लेते हैं, कार्तिक एग्जाम्पल सब समझा देते हैं आप लोग को. जैसे कह दिए वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 4 days, ठीक ना. जैसे कह दिए वी वेंट, ठीक ना, थोड़ा इधर से लिखते हैं, आ जाए उधर, ठीक. जैसे कह दिए वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, ठीक, कोलकाता लास्ट ईयर. फिर कह रहे हैं वी स्टेड देयर फॉर 4 days, वी स्टेड देयर फॉर 4 days, फॉर 4 days. तो समझना यहाँ पे, ठीक ना, फॉर 4 days, ठीक. तो यहाँ पे समझना, जैसे कह दिए वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी, हम वेंट गए टू कोलकाता, कोलकाता लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, हम पिछले साल कोलकाता गए, कलकत्ता गए ना. वी स्टेड, हम रुके देर वहां पे, ठीक ना. वी स्टेड देर, वहां रुके, कब? फॉर 4 days, मतलब 4 दिनों तक. तो ऐसे समझो हम कोलकाता गए जहां पर 4 दिनों तक रुके, मतलब ऐसे देखो कोलकाता, कोई प्लेस की बात कर रहे हैं तो प्लेस के लिए क्या लगाते हैं? बताए ही,
क्या लगा दोगे? वेयर। तो ऐसे याद रखो, कोई व्यक्ति होगा तो हु लगा दो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई चीज हो तो क्या लगा दो? विच लगा दो, और कोई प्लेस हो तो वेयर लगा दो, कोई कारण लगे तो क्या लगा दो? व्हाय लगा दो। तो यहां पे देखो प्लेस की बात कर रहे हैं तो क्या लगा दोगे? क्या हो जाएगा? वी वेंट टू कोलकाता, हम कोलकाता गए। कब गए? लास्ट ईयर, पिछले साल। ओ पिछले साल ना, लास्ट ईयर। अब वेयर क्या बताए? कोई जगह की बात कर रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं तो क्या लगा दिए? वेयर। वेयर बी स्टेड, ऐसे बन जाएगा, ध्यान देना, बी स्टेड। बस देर नहीं, देर अब लगेगा ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अब वहां बता रहे थे स्थान, तो अब यहां पे वेयर लग गया, ये खुद ही प्लेस बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेयर बी स्टेड फॉर फोर डेज, फोर डेज हो गया, कंप्लीट ना। अगर मान लो एकाध कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे कह दिए यहीं पे कोई भी होता, कुछ भी होता, जैसे कह दिए आई मेट रवि, हु गेव मी आई मेट रवि, या सॉरी एक आध इसका ले रहे हैं, ठीक ना, वस्तु वाला। जैसे कह दिए वस्तु में कुछ भी बता सकते हैं, ठीक ना। जैसे कह दिए ही गेव मी अ बुक, जैसे होता ही गेव मी अ बुक, द बुक इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। ही गेव मी अ बुक, दूसरे में होता द बुक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या हो जाता? ही गेव मी अ बुक विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बस बन जाता ना। तो कहने का मतलब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस भी कंप्लीट होता है, तो आप लोग पूरा का पूरा पिछली क्लास और ये भी दो क्लास में हमारा कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, जाकर जरूर देख लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम देने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और आप लोग दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें तो, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।